सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुमलिकत में पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए नया हिदायतनामा जारी कर दिया। सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की जानिब से तमाम एयरलाइंस के लिए गाइडलाइन जारी करके कहा गया कि सऊदी अरब पहुंचने वाले तमाम मुसाफिरों का ऐप पर रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है। हिदायत नामे के मुताबिक सऊदी अरब आने वाले मुसाफिर अपने मोबाइल फोन्स में लाजमी तौर पर ऐप को डाउनलोड करें और अगर मुसाफिर ऐप से तोकलनात नाकिफ है तो एयरलाइंस इस बात को यकीनी बनाए कि मुसाफिरों को तोकलना ऐप से पूरी तरह आगाह हो। सऊदी सिविल एशियन का कहना है कि मुसाफिरों के ऐप पर लाजमी रजिस्ट्रेशन का फैसला सऊदी एविएशन एक्ट आर्टिकल 23 के तहत किया गया है। तोकलना ऐप पर रजिस्टर ना होने वाले मुसाफिरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाजह रहे कि उससे कबल गैर मुल्की मुसाफिरों के मुमलिकत में दाखिले के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा अंदराज करना और लाजमी करार दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसाफिरों को दौरान बोर्डिंग तफसीलात एयरलाइन को लाजमी फराहम करना होगा। मुसाफिरों को मोबाइल फोन पर रजिस्ट्रेशन का मैसेज दिखाना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ प्रिंट सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, जबकि वेबसाइट के जरिए पासपोर्ट नंबर से रजिस्ट्रेशन की तस्दीक भी करनी होगी। नए कवानीन पर 16 जून से अमल दरामद लाजमी करार दी गई है।